हाय, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको टूटी फ्रूटी तरबूज से कैसे बनाते हैं वो बताऊँगी, क्योंकि मोस्टली जो है तरबूज के छिलके लोग फेंक देते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जो इसमें आपको वाइट कलर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इससे हम ऊपर का ये लेयर क्रीम हटा देंगे और उसका जो रेड और ये जो वाइट पार्ट जो दिख रहा है रेड के पहले, तो उसको हमें यूज़ करना है ये टूटी फ्रूटी में। और क्योंकि ये फ्रूट्स है तो कोई बहुत ही अच्छी इससे टूटी फ्रूटी बनेगी। और इसका पार्ट हमने कट कर लिया है और ये देखिए छोटे छोटे से हमको पार्ट्स लेने हैं, इसके कट करने हैं और पीसेस छोटे छोटे के इक्वल आप जो है कट कर लेना। और इस पार्ट को हमने ले लिया है, दिखाने के लिए मैंने लिया है। इसका ऊपर का रेड का पार्ट, रेड पार्ट जो है तरबूज का, उसको हमें हटा देना है और ग्रीन जो छिलका है उसको भी हमें इसको निकाल देना है। और इसको हमको फिर बराबर जैसे स्क्वायर्स में हमको कट करना है छोटे पीसेस में। और इसको कट करने के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप इससे पपाया यानी पपीते से भी आप बना सकते हैं, कच्चे पपीते से, और कई तरह से, कई फ्रूट से, कई वेजिटेबल्स से भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं तरबूज के छिलके का लेके आई हूँ क्योंकि सीज़न चल रहा है इस समय तरबूज का, तो तरबूज के छिलके को आप फेंकिए नहीं और रेड पार्ट हटा के आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए कट करता हुआ दिखा रही हूँ कि ये मैं कैसे काट रही हूँ। स्क्वायर्स में छोटे छोटे क्यूब्स टाइप के होंगे, उसको आप कट कर लीजिए और पीसेस में। इसके बाद में इसको वॉश करना है अच्छे से। और इसके साथ में मैं आपको ये देखिए मैंने पीसेस में कट कर लिया है और इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। तो आपको मेरा जो वीडियो देखते हैं अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। ये मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसको हमें गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी हमने लिया है, जितना आपको बनाना है टूटी फ्रूटी, मैंने करीब ये 250 ग्राम लिया है और इसमें पानी हमने एक गिलास डाला है। तो हमको इसको अच्छे से बॉयल करना है जब तक हमारे जो पीसेस हैं तरबूज के ये ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। और जब ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे, समझ लीजिए आपका जो ये टूटी फ्रूटी का जो स्क्वायर्स में हमने कट करके रखे हैं पीसेस, ये कंप्लीट रेडी हो गए हैं। तो अब ये देखिए इनको हमें डालने के बाद में अच्छे से चलाना है और ये देखना है कि हमारा जो है पीसेस जो है ये तरबूज के ये ट्रांसपेरेंट दिखने चाहिए, तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। और इसको जो है आप कई तरीके से बना सकते हैं, देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसको हम क्योंकि मोस्टली कई डेजर्ट में कई जगह यूज़ करते हैं, तो हम इसको घर में अगर बना के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हमने एक पतीले में पैन में डाला है पानी एक गिलास, इसमें शुगर डाल रही हूँ करीब 1.25 गिलास। तो अभी इसको हमें इसमें डिप करना है और ये जो है हमको करीब एक तार की चाशनी बनानी है। और जब तक ये हमारी एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। मेरा ये जो टूटी फ्रूटी का जो पीसेस है तरबूज के, वो करीब करीब होने लगे हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। तो इनको हम अलग निकाल लेंगे बाउल में और इनको जो है सिफ्ट करना है हमको एक प्लेट में। प्लेट में सिफ्ट करने के बाद में हमने ये देखिए हमारा जो ये मैंने नींबू लिया है, एक नींबू लिया है। और आप नींबू की जगह वैनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नींबू लिया है क्योंकि नींबू का टेस्ट भी अच्छा होता है और हमारा जो ये शुगर का मैंने सिरप तैयार किया है वो भी क्लीन करेगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हमने नींबू एक डाला है रसे का, आपकी अगर अधिक मात्रा में आप बना रहे हैं तो आप दो नींबू यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखिए ट्रांसपेरेंट पूरा दिखने लगा है। मैं सिफ्ट करूँगी शुगर सिरप में इसको और इसके बाद में धीरे धीरे हमको उसमें डालने के बाद में थोड़ी देर से उसको खौलाना है, बॉयल करना है, और जिससे कि हमारे टूटी फ्रूटी के पीसेस में सारा सिरप एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको चलाते हुए हमको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हम इसको उठा के
रख लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और हमको इसको तब तक खोलाना है जब तक ये पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले पीसेस में हमारा सिरप, शुगर सिरप। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारी लग रही है, महक बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैंने नींबू डाला है। और ये मैंने कलर लिए हैं, तीन कलर लिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो इसमें कलर भी हम वेजिटेबल्स से बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि रेडीमेड कलर जो आते हैं खाने वाले वो मैंने लिए हैं, और इसको मैं यूज़ करूँगी। आइए देखिए करीब मेरा हमारा जो है टूटी टूटी पीसेस जो है रेडी हो चुके हैं, उसमें जो है शुगर सिरप मिक्स हो चुका है। तो मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी एक, इसके ऊपर से भी मैंने नींबू डाला है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है हमारे जो पीसेस हैं तरबूज के जो पीसेस टूटी टूटी जो बनाई है मैंने उसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आप एक नींबू इसमें भी डाल सकते हैं। तो हल्की सी भीनी सी महक आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फिर खट्टा हो जाएगा तो फिर वो भी नहीं है। तो आप जो है एक नींबू मैंने ऐसे डाला है ऊपर से, और एक डाला था मैंने सिरप में। तो अब शिफ्ट कर रही हूँ मैं कांच ग्लास के इसमें बाउल में, ये कांच का जार लिया हुआ है, इसमें मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। और इसमें मैंने कलर डाल रखे हैं पहले से, और डालने हैं करीब, क्योंकि थोड़ा सा है हमारा जो है टूटी फ्रूटी, तो हम इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल दो चुटकी, क्योंकि ज़्यादा डालने से इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा कलर का। तो हमने थोड़ा सा डाला है, और इसको मिक्स करने के बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा जो है येलो बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गया है, और ग्रीन ये है मेरा ब्रेड। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए आप घर में आराम से बना सकते हैं, आप मिसयूज़ भी नहीं होगा, हमारे तरबूज का छिलका यूज़ हो जाएगा, और घर में साफ़ सुथरी टूटी फ्रूटी रेडी हो जाएगी। तो अभी हम इसको सुखाने के लिए रखेंगे करीब दो दिन के लिए। आप चाहे पंखे के नीचे आप रख देंगे तो आराम से ये सूख जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेडी हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो है, आप पेपर नैपकिन लेना, मैंने होम सॉइल लिया है, लेकिन आप पेपर नैपकिन लेना, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। पेपर नैपकिन नहीं है तो साफ एक पेपर लेना, उसमें आप इसको डाल के सुखा सकते हैं, क्योंकि पेपर नैपकिन जो है एब्जॉर्ब कर लेगी जो भी एक्स्ट्रा इसमें रस है, तो वो उससे जल्दी सूखने का, जल्दी सूख जाएगा आपका टूटी फ्रूटी। तो मैं इसको छोड़ दूंगी एक दो दिन के लिए सूख जाएगा, उसके बाद में मैं इसको शिफ्ट करूंगी दूसरे बाउल में। तो मैंने ये दिखाया आपको कि मैं इस तरह से शिफ्ट कर रही हूँ, सुखाने के लिए रख रही हूँ। तो देखिए कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये आप ज़रूर घर में बनाएं, और इसको घर में रेडी करेंगे तो अपने मन को भी खुशी होती है कि जो है हम घर में अपना खुद साफ़ सुथरी टूटी फ्रूटी तैयार कर रहे हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अच्छे वीडियो को देखने के लिए आपको बेल बजाना पड़ेगा, तो आपके पास में मेरे सारे वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ वो आ जाएंगे। और कमेंट ज़रूर लिखिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। इसी के साथ में गुड बाय।